कल किए थे। ओके, यूजर यूजर को ऐड करना, डिलीट करना, मतलब हमने कल बेसिक ही क्लास लिया था ना अभी। हाँ। फाइल फोल्डर के बारे में डिटेल में नहीं गए थे ना, फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं। नहीं 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 वो बोले थे आज के क्लास में होगा। रूट से मैं लॉगिन होता हूँ। पासवर्ड क्या दिया था हमने कल, पासवर्ड चेंज किया ना, सीखा था ना हमने। हाँ उसके बाद आप कर दिए थे इसको 1 2 3 4 5 कुछ ऐसे ही थे। वापस रिडेट कर देता हूँ, मैं भूल जाऊँगा वाले भाई। हाँ। इस सिस्टम के अंदर मैं एक फोल्डर बनाने जा रहा हूँ, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हम किस फोल्डर में हैं। एट प्रेजेंट यानी PWD, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, कौन सी डायरेक्टरी है? रूट है, स्लैश रूट, ठीक है। Okay. क्योंकि हम रूट से लॉगिन है इसलिए बाय डिफॉल्ट हम स्लैश रूट डायरेक्टरी में है। तो इस डायरेक्टरी में अब एट प्रेजेंट कौन कौन सी फाइल या फोल्डर्स है, कैसे पता करेंगे? LL कमांड से। कैसे? LL कमांड से। तो LL कमांड टाइप करेंगे तो देखो फाइल का नाम दिखेगा, जो भी है फाइल या फोल्डर का नाम दिखेगा। लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है, सबसे पहला लाइन दिख रहा है, पहला लाइन का पहला कैरेक्टर देखना है। जैसे अनाकोंडा केस डॉट CFG, उस लाइन का सबसे पहला कैरेक्टर क्या है? माइनस, सिंपल सा डैश है ना, पहला लाइन ना माइनस ना। हाँ माइनस है, उसके बाद RW है ना। हाँ। तो अगर पहला कैरेक्टर माइनस हो इसका मतलब वो क्या है? फाइल है। क्या है? फाइल है। फाइल है। अगर पहला कैरेक्टर D होगा तो क्या होगा? डायरेक्टरी। डायरेक्टरी, डायरेक्टरी को फोल्डर भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो चलिए अभी एक इसमें एक भी डायरेक्टरी नहीं है इसका मतलब इस फोल्डर में, चलिए एक डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, यानी एक फोल्डर क्रिएट करते हैं किसी भी नाम से। मान लो MKDIR CCNA नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर लेते, ठीक है। ठीक है, तो मैंने MKDIR CCNA नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट कर दिया। अब उसको चेक कर सकते हैं LL कमांड से। तो ध्यान से देखो CCNA वाली लाइन में सबसे पहले क्या दिख रहा है? डी, डी, जो पहला कैरेक्टर है डी। डी स्टैंड फॉर डायरेक्टरी, इसका मतलब CCNA क्या है? डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा फाइल है और कौन सा फोल्डर है। फोल्डर है, ठीक है, फोल्डर है, डायरेक्टरी है। तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग LL कमांड या यूजिंग LS-L कमांड, ठीक है। तो LL कमांड या LS-L कमांड इस्तेमाल कर सकते हो, दोनों ही अल्टरनेटिव कमांड है। LL कमांड का अल्टरनेटिव LS-L है, ठीक है। दोनों ही मेथड से आप पता कर सकते हो। अब आपको जब पता है कि यहाँ पे एक डायरेक्टरी में क्या बन गया, एक फोल्डर बन गया, ठीक है। किस डायरेक्टरी में अभी हम है? स्लैश रूट के। स्लैश रूट के अंदर कौन सी डायरेक्टरी बन गई? CCNA नाम की डायरेक्टरी बन गई। तो डायरेक्टरी बन गई तो डायरेक्टरी के अंदर तो जा भी सकते हैं ना हम, चाहे तो डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं। तो डायरेक्टरी के अंदर कैसे जाएंगे? CD और डायरेक्टरी का नाम जिसके अंदर जाना हो, ठीक है। जिस फोल्डर के अंदर जाना हो, अगर फोल्डर दिख रहा है तो डायरेक्ट CD करके उसका फोल्डर का नाम दो, आप उसके अंदर चले जाओगे। तो अंदर मैं चला गया, मैं वेरीफाई कैसे करूंगा, मैं कंफर्म कैसे करूंगा, क्रॉस चेक कैसे करूंगा कि मैं लॉगिन हूं, CCNA फोल्डर के अंदर गया कि नहीं गया? PWD करेंगे। PWD करेंगे तो दिखा रहा स्लैश रूट के अंदर, CCNA के अंदर है अभी हम। शुरुआत में देखो स्लैश रूट पे थे, लेकिन अभी कहां पे है? स्लैश रूट के अंदर, CCNA के अंदर। CCNA के अंदर अब हम CCNA के अंदर एक और डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं CCNP नाम से, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये CCNP नाम का डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। अब इसके भी अंदर जाना चाहते हो तो आप CD CCNP करके जा सकते हो। अब इसका पाथ क्या हो गया? स्लैश रूट, रूट के अंदर CCNA, CCNA के अंदर CCNP के अंदर है अभी, ठीक है। इसके अंदर भी एक डायरेक्टरी क्रिएट कर देते हैं Linux नाम से, ठीक है। Linux करके जाते हैं इसके अंदर। तो अभी हम कहाँ पे आ गए? आप देख सकते हो पूरा पाथ ये कहाँ पे है? स्लैश रूट के अंदर, CCNA के अंदर, CCNP के अंदर, Linux नाम का फोल्डर है। हम वहां पे हैं, हम Linux फोल्डर में हैं, जो कि CCNP फोल्डर के अंदर है, और CCNP फोल्डर CCNA फोल्डर के अंदर है, और CCNA स्लैश रूट के अंदर है। तो ये तो वह फोल्डर के अंदर आने का तरीका है। अगर फोल्डर से बाहर निकलना हो तो बाहर निकलने का दो रास्ता है। एक है डायरेक्ट आप निकल सकते हो, क्या कर सकते हो? डायरेक्ट निकल सकते हो। डायरेक्ट निकलना बोले तो जैसे CD का दो, तो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट रूट पे आ जाओगे। कहाँ जाओगे?
रोड पे आ जाए। अच्छा, लेकिन अगर आपको एक एक स्टेप पर निकलना है, जैसे लाइन एक्स से पहले बाहर आना है, सीसीएनपी माना, ठीक है, तो कैसे करोगे? सीडी स्पेस डॉट डॉट डॉट। अभी कहाँ पे आ गए? सीसीएनपी में। अब वापस करोगे सीडी स्पेस डॉट डॉट, तो कहाँ आ गए? कहाँ आ गए? सीसीएनए में। अब वापस करोगे सीडी स्पेस डॉट डॉट, तो अब कहाँ आ गए? रूट पे। ठीक है, तो ये कमांड मतलब नॉर्मल विंडोज वाला में भी सीडी स्लैश डॉट डॉट दबने से उसमें भी हट जाता है। वापस से अंदर जाता हूँ, मान लो सीसीएनए के अंदर जाता हूँ, सीसीएनए के अंदर क्या है, सीसीएनपीएस के अंदर जाता हूँ, वापस इसके सीडी से लाइनस के अंदर जाता हूँ, ठीक है, वापस से मैं सबके अंदर गया, ठीक है, और मैंने पाथ चेक कर लिया। अभी मैं कहाँ पे हूँ? लिनक्स लिनक्स फोल्डर का। अब मुझे एक साथ ही एक बार भाई बाहर निकलना, तो मैं सीधे क्या करूँगा? सिंपल सीडी, दैट्स ऑल। मैं कहाँ पर आ गया? डायरेक्ट रूट पे। तो सीडी और सीडी डॉट डॉट में क्या अंतर है? सीडी डॉट डॉट आपको फोल्डर से सिर्फ एक स्टेप बाहर आता है, ठीक है, एक स्टेप बाहर आएगा। हाँ, सीडी डायरेक्ट बाहर ले आएगा रूट पे, होम डायरेक्टरी पे, जहां से आप आए थे डायरेक्ट वहां पे, ठीक है। हाँ, तो ये रहा हमारा फोल्डर का कंसेप्ट। अब चलते हैं फाइल में, फाइल मैनेजमेंट। तो फाइल में हम लोग शुरुआत कहाँ से करेंगे? एम्प्टी फाइल से। कहाँ शुरुआत करेंगे? एम्प्टी फाइल। तो पहले चलो मैं फोल्डर को डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये सीसीएनए फोल्डर है, चाहते हैं सीसीएनए फोल्डर और साथ में इसके अंदर जितना भी चीज़ें सब डिलीट करना, तो आर एम हाइफन आर एफ सीसीएनए कर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये आर एफ से क्या हो गया? आर फॉर रिकर्सिव, एफ फॉर फोर्सफुली, मतलब हमसे पूछो मत कि डू वांट टू डिलीट यस आर नो, ये पूछो मत, डिलीट कर दो। आर का मतलब हो गया रिकर्सिव, मतलब सीसीएनए के अंदर जितने भी फोल्डर है, सीसीएनपी लाइनएक्स, वो सब डिलीट कर दो, ठीक है, सब डिलीट हो गया, ठीक है। यहाँ पे नहीं है। अब मैं फ्रेश डायरेक्टरी बनाता हूँ, mkdir डेटा नाम्स, ठीक है, डेटा नाम्स, ठीक है। और मैं इसके अंदर जाकर टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग जो भी करना होगा, डाटा फोल्डर के अंदर चला गया, अब इसके अंदर जो भी डेमो फाइल बनाना होगा यहाँ बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। तो मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूँ एम्प्टी फाइल से। एम्प्टी फाइल भी तो फाइल ही होता है ना। एम्प्टी फाइल का मतलब वैसे फाइल जिसके अंदर कुछ भी कंटेंट नहीं होता, और कुछ भी कंटेंट नहीं होने से उनका साइज क्या होता है? जीरो, जीरो। ऐसे फाइल कैसे बनाएंगे? बनाना हो तो टच कमांड से। किस कमांड से? टच कमांड, टच ए डॉट टीएक्सटी। तो ये एम्प्टी फाइल बन गया। इसका साइज देखना हो तो कैसे देखोगे? एलएच हाइफन एलएच। कैसे साइज देखेंगे? एलएच, एलएच। आप देखो रूट के बाद, देखो सितंबर से पहले और रूट के बाद क्या दिख रहा है? जीरो, जीरो। ये जीरो क्या दिखाता है? साइज। क्या दिखाता है? साइज, साइज। यानी ए डॉट टीएक्सटी का साइज क्या है? जीरो, जीरो बाइट, यानी बिल्कुल खाली है, इसका अंदर कुछ कंटेंट ही है। लेकिन हम ये कैसे कंफर्म करेंगे इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं है? चलो कंटेंट देखने का कमांड क्या है? कैट कमांड। किस कमांड से कंटेंट देखते हैं? कैट कमांड, कैट स्पेस फाइल का नाम, जिस फाइल का कंटेंट देखना हो, ठीक है। तो हमने ए डॉट टेस्ट किया तो क्या आया आउटपुट? कुछ भी नहीं, तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ आएगा भी नहीं, क्योंकि ये फाइल कैसा है? एम्प्टी फाइल है। एम्प्टी। अगर इस फाइल को डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे? आर एम हाइफन आर एफ फाइल का नाम, फाइल डिलीट। अब कुछ भी नहीं इस फोल्डर में, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर कुछ भी नहीं। अब मैं एक साथ मल्टीपल फाइल बनाना चाहूँ तो मैं बना सकता हूँ, जैसे टच ए डॉट टी एस टी, बी डॉट टी एस टी, सी डॉट टी एस टी, डी डॉट टी एस टी, ऐसे बना सकता हूँ, ठीक है। अब एल एस हाइफन एल एच करो, आप देखो ये सारे फाइल बन गए, ए बी सी डी, चार फाइलें बन गई और सबका साइज क्या है? जीरो, जीरो बाइट। सब क्या है? एम्प्टी फाइल है। कैसे फाइल है? एम्प्टी फाइल। अब इस फोल्डर के अंदर हम किस फोल्डर के अंदर है? डेटा फोल्डर के अंदर है। अब यहाँ पर अगर हमने आर एम हाइफन आर एफ स्टार चला दिया, तो इसका स्टार डॉट टी एस टी चला दिया, तो इस फोल्डर के अंदर जितने भी टेक्स्ट फाइल होंगे वो सब क्या हो जाएंगे? डिलीट हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो स्टार डॉट टी एस टी का मतलब क्या हुआ भाई? नाम कुछ भी हो, स्टार मतलब नाम के जगह हमने क्या दे दिया? स्टार दे दिया। नाम चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फोल्डर के अंदर जो भी फाइल जिसका एक्सटेंशन अगर डॉट टी एस टी, तो उसको क्या कर दो? डिलीट कर दो। अगर डॉट पी डी एफ और डॉट टी एस टी होता तो उनको डिलीट नहीं करेगा, सिर्फ टी एस टी वाले को डिलीट करेगा, ठीक है। तो इसने क्या कर दिया? इस कमांड ने, इस कमांड ने सारे फाइल को डिलीट कर दिया, सारे टेक्स्ट फाइल को डिलीट कर दिया। आप देख सकते हो इस फोल्डर के अंदर आप कोई भी फाइल नहीं है। आपको और भी ज़्यादा फाइल बनाना है तो आप एल्गोरिथम इस्तेमाल कर सकते हो, जो ट्रिकी एल्गोरिथम्स होते हैं, जैसे टच ए डॉट डॉट जेड, ये ब्रैकेट ये रखना, मीडियम ब्रैकेट रखना आपको, ठीक है। हाँ। और मानो आप पीडीएफ फाइल या ईएक्सई फाइल बनाना चाहते हो तो क्या कर दो? स्पेस डॉट ईएक्सई,
तो आप फाइल का नाम क्या होगा आपका, ए डॉट एक्सी, बी डॉट एक्सी, सी डॉट एक्सी, अप टू जेड डॉट एक्सी। देख लो मैंने इंटर मार दिया, अब एल एस करके मैं दिखा देता हूँ आपको, देखो बन गया ना फाइल, ये सारे एक्सी फाइल बन गया, ए डॉट एक्सी, बी डॉट एक्सी, सी डॉट एक्सी, डी डॉट एक्सी, अप टू जेड डॉट एक्सी। अगर सारे फाइल को डिलीट करना है तो आर एम आई फॉर आर एफ स्टार डॉट एक्सी, ये सारे का सारे फाइल डिलीट हो गए। अगर आपको हजार फाइल क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट सकते हो, टच वन डॉट डॉट थाउजेंड, ठीक है, ब्रैकेट में कर दिया डॉट पीडीएफ, तो ये क्या हो जाएंगे एक से लेकर एक हजार तक पीडीएफ फाइल क्रिएट हो गए। फाइल का नाम क्या होगा, वन डॉट पीडीएफ, टू डॉट पीडीएफ, थ्री डॉट पीडीएफ, फोर डॉट, इस तरह से होगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस करेंगे हम तो इस तरह से आप देख सकते हो ये एक हजार पीडीएफ फाइल इसके अंदर बन गए हैं, बन गए। इन सबको डिलीट करना है तो सिंपल एक ही कमांड में डिलीट कर सकते हो, आर एम हाइफन आर एफ स्टार डॉट पी डी एफ स्टार डॉट पीडीएफ, सारे फाइल डिलीट हो गए, सारे फाइल डिलीट हो गए। तो इस तरह से हमने मल्टीपल फाइल बनाना सीखा। लेकिन ये सारे फाइल कैसे थे, इम्प्टी फाइल थे, कैसे फाइल थे, इम्प्टी फाइल थे, यानी कंटेंट वाले नहीं थे, इनमें कुछ भी कंटेंट नहीं है, ये इम्प्टी है, खाली है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कंटेंट वाले फाइल पे, ये तो एम्प्टी फाइल हो गया, फोल्डर हो गया, एम्प्टी फाइल हो गया, अब चलते हैं कंटेंट वाले फाइल। कंटेंट वाले फाइल मतलब जिस फाइल के अंदर कुछ भी वैलिड कंटेंट डालना कैसे डालेंगे, अलग अलग मेथड है। जैसे पहला मेथड है इको, और जो आपको कंटेंट लिखना है, सपोज मैं लिख रहा हूँ डायनेश तिवारी डॉट कॉम, ये लिख दिया और ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे रीड एडिट करता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे ए डॉट टी एस टी, तो ये कमांड क्या करेगा, ए डॉट टी एस टी नाम का एक फाइल बना देगा जिसके अंदर कंटेंट क्या होगा, लाइनेक्स तिवारी डॉट कॉम बाई सतीश, यही लिखा होगा। देखो मैंने फाइल जैसे इंटर मारा, ये फाइल बन गया, आप देख सकते हो एल एस आई पर एल एच करके। तो फाइल का साइज क्या है, 26 बाइट। इसके अंदर कंटेंट क्या है, कैट ए डॉट टी एस टी करके कंटेंट देखो तो कंटेंट क्या लिखा हुआ है, इसके अंदर क्या कंटेंट लिखा है, लाइनेक्स यू आई डॉट कॉम बाई सतीश, ठीक है, ये कंटेंट है। अगर आप इसके अंदर कुछ और कंटेंट ऐड करना चाहते हो, जैसे इको के मैं ये ऐड करता हूँ और मैं डबल कर देता हूँ, ठीक है, और ए डॉट टी एस टी करता हूँ और अब एल एस हाइफन एल एस करता हूँ, तो अब देखो ए डॉट टी एस टी की साइज कितनी हो गई, 50 बाइट, ऊपर 26 बाइट हो गई ना। इसके अंदर कंटेंट क्या हो गया, आप देखो ए डॉट टी एस टी के अंदर वो भी कंटेंट ऐड हो गया जो हमने अभी लिखा ना दोबारा। तो ये सिंगल एरो ग्रेटर देन का सिंबल और डबल सिंगल में, डबल सिंबल में क्या अंतर हो गया, सिंगल में फाइल अपेंड होता मतलब रिडायरेक्ट होता है, और डबल में क्या होता है, अपेंड होता है, मतलब जो पहले वाला है वो भी रहेगा और ये नया वाला जाकर उसके नीचे ऐड हो जाएगा। देखो साइबर सिक्योरिटी ट्रेनर भी जाकर उसी फाइल के अंदर नीचे में जाकर क्या हो गया, ऐड हो गया ए डॉट टी एस टी में, ठीक है। आप कुछ और ऐड करना चाहते हो, देखो ऐड करना चाहते हो आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैं लिखता हूँ, ऐसे लिखा मैंने, तो ये भी इंफॉर्मेशन ऐड हो गया, कैट ए डॉट टी एस टी करोगे तो देखो ऐड हो गया ना ये भी लाइन, ऐड क्यों हो रहा, क्योंकि मैं डबल दे रहा हूँ, ठीक है, डबल से क्या होता है अपेंड यानी ऐड होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये कंटेंट वाले फाइल हो गए। इसका एक और तरीका बनाने का, कैसे बना सकते हैं, कैट कमांड से आप फाइल देख भी सकते हो और फाइल बना भी सकते हो। कैसे फाइल बनाओगे, जैसे मान लो मैं बी डॉट टेस्टी फाइल बनाता हूँ, कैट ये सिंबल दे दिया और बी डॉट टी एक्स टी, इंटर मारा, अब जो लिखना है लिखो इसके अंदर, हाय हेलो जो लिखना है वो लिखो, और जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाए तो कैसे सेव करेंगे, कंट्रोल डी से, किससे सेव करेंगे, कंट्रोल डी विंडोज में कंट्रोल जेड होता है, तो ध्यान रखना कंफ्यूज नहीं होना है, ये विंडोज नहीं है, विंडोज में कंट्रोल जेड होता है, लाइनेक्स में क्या होता है कंट्रोल डी। अब आप ध्यान से देखोगे एल एस आई पर एल एस करोगे तो आपके पास दो फाइल है, एक ए डॉट टी एस टी और दूसरी कौन सी फाइल बन गई, बी डॉट टी एस टी 41 बाइट की, ठीक है। आप देख सकते हो कैट बी डॉट टी एस टी करोगे तो आपको बी डॉट टी एस टी का कंटेंट दिख जाएगा। हमें कैसे पता चले ये बाइट में है, अगर साइज कुछ भी ना लिखा हो ना 41 अंक के सामने तो वो बाइट में, ठीक है, क्योंकि अगर केबी में होता तो वहां पर 41 के लिखा रहता,
अगर एम बी बोलता तो 41 एम लिखा रहता, अगर जी बी बोलता तो 41 जी लिखा रहता, अगर कुछ नहीं लिखा मतलब बाइट में, ठीक है। तो ये दो मेथड हो गया, लेकिन आपने देखा ये दोनों में से किसी मेथड में भी हम फाइल को एडिट नहीं कर सकते। फाइल में कुछ ऐड कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फाइल को एडिट नहीं कर सकते अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गया तो। इसके लिए आया एडिटर, क्या आया एडिटर। दो एडिटर आए, पॉपुलर एडिटर जो कि है, एक है वी आई एडिटर एंड दूसरा है नैनो एडिटर। कौन कौन से? वी आई एंड नैनो। वी आई को दूसरा एक दूसरा भी नाम है, वी आई का एक दूसरा नाम भी है जिसको हम लोग बोलते हैं एडवांस वाला वी आई, जिसको बोलते हैं वीम। क्या बोलते हैं? वीम। वीम तो वी आई एडिटर बोल सकते हैं या वीम एडिटर बोल सकते हैं। और दूसरा कौन सा है? नैनो एडिटर। तो इन एडिटर से क्या बनता है? नोटपैड जैसा एडिटर है, इनसे फाइल बना भी सकते हो और बनी हुई फाइल को एडिट भी कर सकते हो। तो चलो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, एक नई फाइल बनाने वाले हैं नैनो एडिटर से। तो नैनो या फाइल बनी हुई फाइल को एडिट करते हैं, इसी ए डॉट बी डॉट टी एक्स टी को एडिट करते हैं। नैनो बी डॉट टी एक्स टी खुल गया। आप एरो की से आप कहीं भी जा सकते हो, कुछ भी आप एडिट कर सकते हो इसे। इन दोनों लाइन के बीच में आप कुछ और ऐड करना चाहो तो ऐड सकते हो, ठीक है। ये ऐड हो, आप ये लिख दिया, ये सेव हो गया, ये हो गया इसमें मतलब फाइल में एडिट कर दिया। अब आपको फाइल को सेव करना है तो क्या करेंगे? फाइल से बाहर निकलेंगे, कैसे? कंट्रोल एक्स से, एक्स वाई जेड जो होता है ना एक्स, वो एक्स ये पूछेगा कि आप सेव करना चाहते हैं कि नहीं। अगर वाई प्रेस कर दो तो फाइल सेव हो जाएगा, अगर एन प्रेस कर दो तो सेव नहीं होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ प्रेस करूंगा वाई, वाई मतलब सेव हो गया। अब इंटर मार के बाहर निकल जाओ, इंटर मारते ही बाहर निकल गया। अब ये फाइल सेव हो गया, कैट बी डॉट टेस्ट करके आप देख सकते हो। इसके अंदर एक लाइन ऐड जो हमने किया, दो लाइन वो ऐड हो गया, ऐड हो गया ना, हमने बीच में दो लाइन ऐड कर दिया, ठीक है। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, किसमें? नैनो एडिटर के थ्रू हम नई फाइल बना भी सकते हैं और पुरानी फाइल को, बनी हुई फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। ये सेम काम हम वी आई एडिटर या वीम एडिटर से भी कर सकते, लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, तो ध्यान से देखना। तो मैं एक नई फाइल बनाने जा रहा हूँ वीम से, सी डॉट टी एस टी नाम से, ठीक है। ठीक है, तो मैंने डाला वीम सी डॉट टी एस टी, इंटर। अब इस फाइल में कुछ लिखना हो यानी इंसर्ट करना, तो आपको किस मोड में जाना पड़ेगा? इंसर्ट मोड में। किस मोड में जाना पड़ेगा? इंसर्ट। इंसर्ट मोड में। बिना इंसर्ट मोड में गए आप फाइल में कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकते, यानी एडिट नहीं कर सकते। तो मैं जा रहा हूँ इंसर्ट मोड में। इंसर्ट मोड में जाने के लिए क्या प्रेस करना पड़ेगा? प्रेस आई। क्या प्रेस करना पड़ेगा? प्रेस आई। आई आई जैसे ही मैं प्रेस किया तो आप देखोगे नीचे में इंसर्ट मोड खुल गया, खुल गया ना। इसमें मैं कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ मैं जो भी लिखना चाहूँ लिख सकता हूँ इसमें, ठीक है। और लिख के मैं जब सेव करना चाहूँ तो क्या करूँगा? इंसर्ट मोड से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब हमारा लिखना खत्म हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा? इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है, बाहर निकलना पड़ेगा। इंसर्ट मोड से बाहर कैसे निकलेंगे? एस्केप की प्रेस करेंगे, ठीक है। जैसे एस्केप की प्रेस करोगे देखो इंसर्ट मोड डिसअपीयर हो गया ना। इसका मतलब आप इंसर्ट मोड से कहाँ हो गए? बाहर हो गए। इंसर्ट मोड से बाहर हो गए। अब इसको आप सेव कर सकते हो, कैसे? शिफ्ट के साथ कॉलम, ये देखो कॉलम दिया हमने, नीचे में सबसे कॉलम आ गया, देख रहा है ना कॉलम, यहाँ पे W एंड Q, W फॉर सेव एंड Q फॉर क्विट। W Q का मतलब हो गया सेव एंड क्विट। इंटर मारा हमने, सेव करके बाहर निकल गए। अब आप एल साइफन एल से देख सकते हो। अब आपको नई फाइल दिख रही होगी सी डॉट टी एक्स टी, आप देख सकते हो कैट सी डॉट टी एक्स टी करके, इसके अंदर कंटेंट आपको दिख जाएगा, जो हमने लिखा भी मीटर से वही आया। अगर इस फाइल को वापस से एडिट करना हो तो आप वापस इस फाइल को एडिट कर सकते हो, किसके थ्रू? वीम एडिटर के थ्रू। कैसे? वीम सी डॉट टी एक्स टी, ठीक है। आप इंसर्ट मोड में गया, मैं जो भी लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। सपोज करो मैं नीचे गया और मैं कुछ ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ। अब जब लिखना हमारा कंप्लीट हो गया तो मैं एस्केप की से इंसर्ट मोड से
बाहर आ गया, ठीक है। और फिर जब सेव करना तो डब्ल्यू क्यू से, अच्छा डब्ल्यू क्यू के जब हमने सिर्फ क्यू कर दिया तो क्या होगा, क्यू आर ये कर दिया तो क्यू का मतलब होता है क्यूट, मतलब सेव नहीं करेगा, बिना सेव किए क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा अगर ये कर दिया तो। ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क है इसका मतलब होता है फोर्सफुली, क्या मतलब होता है, फोर्सफुली, फोर्सफुली, ठीक है। अच्छा मान लो इसमें मुझे कॉपी करना, कुछ लाइन को कॉपी करना, जैसे ऊपर का दो लाइन को मुझे तीन लाइन कॉपी करना, मुझे क्या करना, ऊपर का तीन लाइन कॉपी करना, कॉपी करना, तो मैं क्या करूंगा, थ्री वाई वाई, क्या करूंगा, थ्री वाई वाई। तो जैसे मैंने थ्री वाई वाई कॉपी किया था, जहां पे मेरा माउस है, मेरा माउस सीसीएनए के पास है, तो सीसीएनए से लेकर तीन लाइन यानी वेबसाइट वाली लाइन तक क्या हो गया, कॉपी हो गया। और जहां पे पेस्ट करना है, एरो किसे आओ वहां पे कर्जर ले आओ और वहां पे प्रेस कर दो पी, पी प्रेस करते क्या हो गया, पेस्ट। yes. अगर मान लो ऊपर से आपको सात लाइन को कॉपी करना है तो आप क्या करोगे, यहां से लिखो टाइप करो सेवन वाई वाई, तो सात लाइन क्या हो गया सिलेक्ट होकर कॉपी हो गया। अब नीचे आगे क्या कर दो आप, जहां पेस्ट करना है पी, तो सात लाइन पेस्ट, पी दबा दिया। हाँ यहां पे इस तरह से आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। अब जब आपका काम हो गया तो आप शिफ्ट कॉलन डब्ल्यू क्यू से सेव कर दो, अब आपकी फाइल सेव हो गई, ठीक है। अब आप देख सकते हो जो सी डॉट टेस्टी फाइल इसकी साइज कितनी हो गई, 343 बाइट्स। आप इसका कंटेंट देखना चाहो तो कैट सी डॉट टेस्टी से देख सकते हो, वो जो एडिट किया था हमने वो आ गया, इसमें अपडेट हो गया। तो इस तरह से आप देखोगे कि वीम एडिटर जो होता है वो सबसे पावरफुल एडिटर होता है, वीम एडिटर सबसे पावरफुल एडिटर। इसलिए सिस्टम एडमिन हो, नेटवर्क एडमिन हो, साइबर एक्सपर्ट हो, इथिकल हैकर्स हो, प्रोग्रामर्स हो, डेवलपर्स हो, सब लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा एडिटर, वीम एडिटर। नैनो एडिटर आपके पास अल्टरनेटिव है, जहां वीम एडिटर नहीं होगा किसी किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में, वहां पे आपको किससे काम चलाना पड़ेगा, नैनो एडिटर। तो इसलिए मैंने आपको नैनो एडिटर बताया। अब हिस्ट्री कमांड, हाँ पूछिए। इसमें जैसे मान लीजिए टेक्स्ट वगैरह होगा, मान लीजिए कि कोई फाइल है सिस्टम में, वो सब मतलब बड़ा फाइल, फिर वो सब कैसे फोल्डर में डालेंगे या किस तरह से क्या करना, तब कॉपी पेस्ट करना। हाँ मतलब कि कोई फोल्डर है, मैं मान लीजिए अब जैसे मान लीजिए कुछ कंटेंट ही है फोल्डर में, ये तो अभी हम लोग जैसे टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं या कुछ उस तरह का है, मान लीजिए कुछ पीडीएफ फाइल ही है उस फोल्डर में डालना, तो उसको फिर इसी तरीके से करेंगे कि उसके लिए फिर कुछ अलग। देखिए पीडीएफ फाइल को एडिट नहीं करना ना आप, ये तो पीडीएफ एडिटर सॉफ्टवेयर है नहीं। आप नॉर्मली विंडोज में देखो तो आप नोटपैड में पीडीएफ को एडिट कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं नहीं, पीडीएफ एडिट करने के लिए क्या चाहिए होगा, कौन सा सॉफ्टवेयर है, पीडीएफ एडिटर करके सॉफ्टवेयर आता है, आपको वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा तभी आप उसको एडिट कर पाओगे, अदरवाइज एडिट नहीं कर पाओगे। तो लाइन कैसे, मतलब पीडीएफ मान लीजिए पीडीएफ कोई फाइल है उसको फोल्डर के अंदर डाले, हाँ तो डाल सकते हो। अच्छा जैसे एग्जांपल देखो यहाँ पे मान लो मैं बनाता हूँ टच, मतलब चलो यही फाइल को मैं एग्जांपल, मान लो कि सी डॉट टेस्टी पीडीएफ फाइल है, ठीक है। इसको मुझे टेम्पररी फोल्डर के अंदर कॉपी करना है तो मैं क्या करूँगा, सीपी सी डॉट टेस्टी, इसको कहाँ पे कॉपी कर दो, स्लैश टीएमपी फोल्डर में, कहाँ पे कॉपी कर दो, टीएमपी फोल्डर में। तो चलो चलते अब सीडी स्लैश टीएमपी फोल्डर में जाते हैं, वेरीफाई करते हैं कहाँ पे है, टीएमपी फोल्डर में आ गए, यहाँ पे एलएस करेंगे तो देखो यहाँ पे आ गया ना सी डॉट टेस्टी फाइल। अब यहाँ से इस फाइल को अगर कट पेस्ट करना तो कैसे कट पेस्ट करेंगे, एम बी सी डॉट टी एस टी, एम बी कमांड से क्या होता है, कट पेस्ट होता है, कट पेस्ट। तो सी डॉट टी एस टी को मान लो मुझे कहाँ पे करना है, एम एन टी फोल्डर के अंदर, कहाँ करना है, एम एन टी के अंदर। तो देखो ये क्या हो गया, ये यहाँ से कट पेस्ट हो गया, देखो यहाँ पे एल एल करोगे तो अब यहाँ पे फाइल नहीं दिखेगी, ये फाइल हट गई यहाँ से। अब एल एस करोगे तो यहाँ पे फाइल नहीं दिखेगी क्योंकि यहाँ से हमने कट पेस्ट कर दिया, अब ये कहाँ चली गई फाइल, स्लैश एम एन टी में। तो चलो चलते हैं सी डी स्लैश एम एन टी, यहाँ पर जाके एल एस किया हमने तो यहाँ पर हमें सी डॉट टेस्टी मिल गई। तो पी डी एफ फाइल होता तो उसका नाम देते, पी डी एफ फाइल का नाम देते, ई एक्स फाइल होता है ई एक्स फाइल का नाम देते, जो फाइल होगा उसका नाम देना है, ठीक है। अच्छा अच्छा, और उसको कहीं से कहीं भी कॉपी पेस्ट या कहीं से कहीं कट पेस्ट कर सकते हो। आगे हम लोग रिमोट कॉपी भी कर सकते हैं, यानी एक लाइनेक्स मशीन से दूसरे लाइनेक्स मशीन में भी कॉपी कर सकते हैं, या एक दूसरे मशीन, एक मशीन से दूसरे कंप्यूटर पर भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं कमांड लाइन से ही, वो भी मैं बताऊंगा आगे चलकर, जब हम लोग थोड़ा सा एसएसएस सर्वर वगैरह कर लेंगे तब मैं बताऊंगा, ठीक है। अभी आपको समझ में आया आज जो भी मैंने पढ़ाया, चाहे वो फोल्डर का पार्ट हुआ या फाइल का जितने भी पार्ट हुए, एमपीटी फाइल हो गया, टेस्ट फाइल, कैट वाले फाइल हो गए, इको वाले फाइल हो गए, वीम एडिटर हो गया, नैनो एडिटर हो गया, ठीक है, कट पेस्ट हो गया, कॉपी पेस्ट हो गया, ठीक है। अब इनके अलावा एक फाइल होता है जिसको बोलते हैं इम्प्टी फाइल, क्या बोलते हैं, सॉरी ये वो बोलते हैं हिडन फाइल, क्या होते हैं,
हिडन फाइल। तो लिनक्स में हिडन फाइल कैसे बनते हैं? अगर किसी भी फाइल के पहले डॉट लगा दो तो फाइल कैसे फाइल हो जाएगा? हिडन फाइल। चलो डेटा फोल्डर के अंदर जाते हैं, अब यहाँ ls करके आप देखते हो तो आपको a.txt b.txt c.txt दिख रहा है, ठीक है। अब मैं यहीं पे एक फाइल बनाता हूँ, हिडन फाइल, कौन सा? d.txt। लेकिन तो कैसे बनाऊंगा? .d.txt। जैसा कि मैंने बताया कि अगर किसी फाइल में पहले डॉट लगा दो तो फाइल कैसा फाइल हो जाएगा? हिडन फाइल। अब मैंने vim.txt, अब इसके अंदर जाकर कुछ भी लिखता हूँ, जैसे मैं लिख दिया हाय, ये लिख दिया, अब इंसर्ट मोड से बाहर आया, एस्केप की से डब्ल्यू क्यू से सेव कर दिया। अब मैं एलएस करके देखता हूँ यहाँ पे, तो क्या दिख रहा है? वो फाइल दिखा नहीं रहा है। मैं एलएस करूंगा तो भी नहीं दिखा रहा है। मैं एलएस साइफर एल करूंगा तो भी नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा है? वो हिडन फाइल है, वो ऐसे नहीं दिखेगा। तो आपको हिडन फाइल को देखना हो तो क्या टाइप करना पड़ेगा? आपको ls -la क्या टाइप करना पड़ेगा? la ए टाइप करना पड़ेगा। जब ए टाइप करेगा तो आपको d.txt दिख जाएगा, दिख रहा है? हाँ हाँ। ये क्या होता है, हिडन फाइल को भी शो करता है। तो अब आप हिडन फाइल के कंटेंट को देखना, तो cat.d.txt अभी टाइप करोगे तो आपको कंटेंट दिख जाएगा। लेकिन नॉर्मल कमांड कोई टाइप करेगा ls तो वहाँ पर वो फाइल नहीं दिखेगा, जबकि वो फाइल है यहाँ पे d.txt, लेकिन दिख नहीं रहा है। इसलिए फाइल को, तो किसी भी फाइल के पहले डॉट लगा दिया तो फाइल कैसा फाइल बन जाएगा लिनक्स के अंदर? हिडन फाइल। हिडन फाइल बनाना बहुत आसान है, चाहे आप टच से बनाओ, कैट से बनाओ, नैनो से बनाओ, विम से बनाओ, आप किसी भी मेथड से बनाओ, अगर आपने फाइल के पहले डॉट लगा दिया तो फाइल कैसा फाइल बन जाएगा? हिडन फाइल। आई होप आप ये सब अंडरस्टैंड किए होंगे। आप ये सब देख लेना एक बार वीडियो देख कर नोट्स बना लेना, नोट्स बनाकर प्रैक्टिस कर लेना सारा। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास जो होगा वो इसी पे डिपेंड होगा। अच्छा अच्छा ठीक है। मेरा हर क्लास एक दूसरे पे क्या होता है? डिपेंड होता है। हाँ हाँ, सब एक दूसरे से लिंक्ड है। ठीक है। तो अगर ये नहीं होगा तो आगे का नहीं हो पाएगा। आगे जो हम पढ़ने वाले हैं वो पहले बता दे रहा हूँ, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्क डंपिंग। क्या पढ़ने वाले हैं? डिस्क डंपिंग पढ़ने वाले हैं, और साथ में पढ़ने वाले हैं हम लोग इसको फाइल को परमिशन, यूजर ऑनर कैसे बनाते हैं, किसी फाइल का यूजर ऑनर ग्रुप ऑनर कैसे बनाते हैं, फाइल को परमिशन कैसे देते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। ठीक है, ठीक है, ओके।